अगर चलिए मान लीजिए ये बात किसी आउटसाइडर के साथ हुई होती, तो कहीं ना कहीं हम ये बात हजम कर सकते थे कि हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति ने सोच समझ के ये प्लानिंग करी होगी और किसी मीडिया हाउस ने जो है चीजें रखी होंगी। लेकिन ये बात खुद एक स्टार किड के साथ हुई है। जी हाँ, एक स्टार किड का बड़ा बयान, बड़ा शॉकिंग बयान कि मेरी पहली फिल्म रिलीज थी, और ऐसी वैसी नहीं, यशराज के साथ वो फिल्म थी, लेकिन पूरे रिव्यू में मेरा नाम ही कहीं नहीं था। जी हाँ, आइए बताता हूं कि आखिरकार ये किसने बात बोल दी है। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर ने इस बड़ी बात का खुलासा किया। जैसा कि हम सबको पता है कि अब संदीप और पिंकी फरार को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है और हर कोई जो है अलग अलग बातें कर रहा है। ऐसे में एक लीडिंग पोर्टल के साथ बातचीत करते हुए अर्जुन कपूर कहते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट रिव्यू ऑफ आर फिल्म। वो फर्स्ट रिव्यू था मेरी फिल्म का, एंड इट्स समथिंग आई ऑलवेज होल्ड ऑन टू। और आई वोक अप, मैं जागा, मैंने वो न्यूज़पेपर देखा। एट दैट पॉइंट इट वॉज अ लीडिंग डेली। वो लीडिंग डेली था, बट अभी वो नहीं है मुंबई में वो न्यूज़पेपर। एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड, इट वॉज अ डिसेंट रिव्यू। परिणीति गॉट प्रेस्ड, हबीब सर गॉट प्रेस्ड, द फिल्म गॉट अप्रिसिएशन, एंड वट एवर द क्रिटिकल एनालिसिस एंड ऑल दैट, एंड गुड बैड और अगली, ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू सी माई नेम इन द न्यूज पेपर। ही डिडंट राइट माई नेम ओनली। तो यहां पर दोस्तों वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा नाम ही नहीं छापा जबकि मैं फिल्म का लीड था। इशक ज़ादे कैसे भूल सकते हैं, अर्जुन कपूर ने कितना अच्छा काम किया था और डेब्यू मिला था यार, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था अर्जुन को। तो अर्जुन कपूर को लेकर ये चीजें सामने आई हैं दोस्तों, और अर्जुन कपूर कहते हैं कि मेरा नाम ही नहीं छापा। अब बताओ भला ये क्या बात हुई। शो दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है मुझे जरूर बताएं। बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे फीफा फूज।